बेमौसम आंधी तूफान से चार राज्यों में भारी तबाही, अब तक 34 लोगों की मौत, दर्जनों घायल। आंधी तूफान से घिरे मध्य प्रदेश में 11 लोगों की मौत, गुजरात में 9, राजस्थान और महाराष्ट्र में 7-7 लोगों की मौत की खबर। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन तक कई राज्यों में तेज हवाओं के साथ आंधी और बारिश की भविष्यवाणी की, तापमान 20 से 28 डिग्री के बीच रहेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने तूफान में मारे गए मृतकों के परिवार के लिए संवेदनाएं व्यक्त की, पीड़ित परिवारों के लिए 2-2 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया। पीएम ने महाराष्ट्र के माढ़ा में अपनी रैली की शुरुआत तूफान पीड़ितों के लिए शोक संदेश से की, पीएम ने कहा सरकार इस दुखद घड़ी में हर पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है। गुजरात में बारिश और तेज हवाओं से पीएम मोदी की रैली स्थल को भी नुकसान पहुंचा, हिम्मतनगर में पीएम के रैली स्थल पर टेंट उखड़ा, मैदान में भी भरा पानी। मध्य प्रदेश के जमुई में एक ही परिवार के 3 लोगों की बिजली गिरने से मौत, रतलाम में भी बिजली गिरने से 2 की मौत, मृतकों में 1 बच्ची शामिल। एमपी के आगरमालवा में तूफान से लाखों के तैयार फसलों को नुकसान पहुंचा, मुख्यमंत्री कमलनाथ ने पीड़ित परिवारों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। महाराष्ट्र के नासिक में बारिश और तूफान से भारी नुकसान, परभणी में बिजली गिरने से 40 मवेशियों की मौत, लाखों की तैयार फसल को भी नुकसान पहुंचा। राजस्थान के झालावाड़ा में तूफान ने आम जनजीवन को अस्त व्यस्त किया, 2 जगहों पर बिजली गिरने से 6 बच्चों की मौत हो गई। बिहार के कटिहार में आंधी तूफान से भारी तबाही, कई घरों को पहुंचा नुकसान, कटिहार रेलवे स्टेशन का शेड भी उड़ा, प्लेटफॉर्म पर खड़े 8 यात्री जख्मी हो गए। मणिपुर की राजधानी इम्फाल में भी तूफान और आंधी से भारी तबाही, पूर्वी और पश्चिमी इम्फाल में घरों को नुकसान पहुंचा, कई घायल। पाकिस्तान में भी आंधी तूफान ने मचाई भारी तबाही, करीब 39 लोगों की मौत, खैबर पख्तूनख्वा में 13 और बलूचिस्तान में 11 की मौत। पाकिस्तान में भी आंधी तूफान ने मचाई भारी तबाही, करीब 39 लोगों की मौत, खैबर पख्तूनख्वा में 13 और बलूचिस्तान में 11 की मौत हो गई। पश्चिम बंगाल में तेज हवाओं से कई जगह पेड़ गिरे, मौसम विभाग ने आज के लिए भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया, कोलकाता में भी तेज बारिश। महाराष्ट्र के माढ़ा में पीएम का राहुल गांधी पर निशाना, कहा मुझे गाली देते देते नामदार ने पूरे समाज को गाली दी। पीएम मोदी ने कहा पिछड़ा होने की वजह से मेरी जाति बताने वाली गाली दी, आप पूरे पिछड़े समुदाय के लोगों को चोर कहने लगे। पीएम मोदी का विपक्ष पर निशाना, कहा महामिलावटी लोगों से देश का भरोसा उठ गया, उन्होंने मोदी हटाओ को ही मुद्दा बना दिया। पीएम मोदी ने कहा 5 साल में भ्रष्टाचार का एक भी आरोप नहीं, पहले कितने घोटाले होते थे, देश शर्मसार होता था। पीएम मोदी ने शहीदों के परिवार को प्रेरणा बताया, कहा कुछ दल वीरों के पराक्रम पर सवाल उठाते हैं, दमदार सरकार में फौजियों की गोली बोलती। माढ़ा की रैली में पीएम मोदी का शरद पवार पर निशाना, कहा एक परिवार की सेवा में लगे। आज पीएम मोदी महाराष्ट्र के अलावा गुजरात दौरे पर, माढ़ा के बाद गुजरात में 3 रैलियों को संबोधित करने का उनका कार्यक्रम। लोकसभा चुनाव के लिए दूसरे चरण की वोटिंग कल 18 अप्रैल को 12 राज्यों की 95 सीटों पर मतदान होना है। पहले 13 राज्यों की 97 सीटों पर वोटिंग होनी थी, लेकिन तमिलनाडु की बिल्लोर सीट का चुनाव रद्द कर दिया गया, वहीं त्रिपुरा ईस्ट का चुनाव टल गया है। त्रिपुरा ईस्ट सीट पर खराब कानून व्यवस्था के कारण चुनाव टाला गया, अब 23 अप्रैल को होंगे चुनाव, निष्पक्ष चुनाव कराने को लेकर आशंका जताई गई। वेल्लोर का चुनाव रद्द होने पर सुप्रीम कोर्ट जा सकती है डीएमके, वेल्लोर से डीएमके प्रत्याशी की चुनाव आयोग को चिट्ठी, लिखा छवि खराब करने के लिए छापे मारेगी। केरल के वायनाड पहुंचे कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, धार्मिक रीति रिवाज के साथ थिरुनेली मंदिर में पूजा अर्चना की। अमेठी के अलावा इस बार राहुल गांधी केरल की वायनाड सीट से भी चुनाव लड़ रहे हैं, कुछ दिन पहले ही वायनाड से राहुल ने किया था नामांकन दाखिल। राहुल का आज केरल में 4 अलग अलग जनसभाओं को संबोधित करने का कार्यक्रम है, वायनाड के बाद कोझिकोड, वंदूर और पलक्कड़ में जनसभा संबोधित करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह महाराष्ट्र और ओडिशा में जनसभाएं करेंगे, ओडिशा में 2 रैलियों को संबोधित करेंगे, कटक में रोड शो करेंगे। कटिहार में सांप्रदायिक टिप्पणी पर कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ केस दर्ज, बीजेपी के चुनाव आयोग से कड़ी कार्रवाई की मांग। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या जाएंगे, रामलला हनुमानगढ़ के दर्शन करेंगे, चुनाव आयोग ने प्रचार पर 72 घंटे की रोक लगा रखी। आजम खान की फिर बड़ी मुश्किलें, चुनाव आयोग ने भेजा एक और नोटिस, जवाब देने के लिए 24 घंटे का वक्त दिया, जिलाधिकारी के खिलाफ दिया था विवादित बयान। छत्तीसगढ़ में उमा भारती का विवादित बयान, रॉबर्ट वाड्रा के लिए किया चोर शब्द का इस्तेमाल, कहा प्रियंका को भी देश चोर की पत्नी के तौर पर देखेगा।
यूपी के आंवला से बीएसपी उम्मीदवार रुचि वीरा का विवादित बयान, मुस्लिमों से धर्म के नाम पर वोट की अपील की। कृषि मंत्री राधामोहन सिंह आज पूर्वी चंपारण लोकसभा सीट से नामांकन दाखिल करेंगे, रामविलास पासवान और सुशील मोदी भी मौजूद रहेंगे। चुनाव आयोग का दिल्ली सरकार को झटका, सरकारी स्कूल में समर कैंप के दौरान पोस्टर लगाने की अपील नामंजूर, 16 मई से 9 जून तक चलेगा ये कैंप। झारखंड की खूंटी में बीजेपी विधायक मेनका सरदार रोड शो के दौरान गिर गयी, अर्जुन मुंडा के नामांकन में शामिल होने पहुंचे। टीएमसी के लिए प्रचार करने पर बांग्लादेशी एक्टर फिरदौस का वीजा रद्द, ब्लैकलिस्ट किया, देश छोड़ने को कहा गया। पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी एक्टर के प्रचार पर बीजेपी का ममता पर हमला, कहा विदेशी एक्टर जनता को प्रभावित नहीं कर सकता, टीएमसी ने कहा बीजेपी हार के डर से मामले को दूर दे रही है। एक और बांग्लादेशी एक्टर का चुनाव प्रचार करने का वीडियो आया, एक्टर नूर ने दमदम में टीएमसी के लिए प्रचार किया था। चुनाव आयोग ने दूसरे चरण के मतदान से पहले पश्चिम बंगाल में विशेष पर्यवेक्षक नियुक्त किया, 1984 बैच के आईएएस अधिकारी अजय नायक को ऑब्जर्वर बनाया गया। टीएमसी विधायक का समर्थकों को उकसाने का वीडियो सोशल मीडिया में पहुंचा, टीएमसी कार्यकर्ताओं ने कहा चुनाव में तैनात जवानों पर हमला करो। टीएमसी विधायक रत्नाकर घोष ने कहा महिला मोर्चा के कार्यकर्ता झाड़ू उठाएं और सुरक्षा बलों को दूर भगाएं, जंग जीतनी है तो ये न सोचें कि क्या सही है और क्या गलत। पश्चिम बंगाल के कालना में डीएम दफ्तर के बाहर प्रदर्शन, सुरक्षा बलों की संख्या बढ़ाने की मांग, पंचायत चुनाव में हिंसा से लोग डरे। पीएम मोदी के बाद बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पर बनी फिल्म बाघिनी 3 मई को रिलीज होगी, निर्माता का दावा ये बायोपिक नहीं है। डीएम के नेता कनीमोई के घर पर आयकर विभाग का छापा, कनीमोई का बीजेपी पर निशाना, कहा छापा मारकर बीजेपी मुझे जीतने से रोक नहीं सकती। कनीमोई के घर छापेमारी पर डीएम के प्रमुख स्टालिन का आयकर विभाग से सवाल, पूछा तमिलनाडु बीजेपी प्रमुख के घर करोड़ों रुपए हैं, वहां क्यों नहीं छापा मारते। पंजाब के पटियाला में 1 करोड़ रुपए कैश बरामद, पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया, पैसों का जरिया जानने के लिए पूछताछ। रक्षा मंत्रालय सूत्रों के हवाले से खबर, पुलवामा आतंकी हमले के बाद सेना को ज्यादा अधिकार दिए गए हैं, हथियार खरीदने के कुछ नियमों को आसान बनाया गया है। नेवी का चेतक हेलीकॉप्टर अरब सागर में गिरा, हादसे में सभी जवान सुरक्षित, नौसेना ने जांच के आदेश दे दिए हैं, पिछले हफ्ते की है ये घटना।